तो आज हम आपको कुछ ऐसे अधिकारियों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के लिए हर भारतीय को बहुत जरूरी है। ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 mg से ज्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंटी आपको गिरफ्तार कर सकती है। सेक्शन 185-202। किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सेक्शन 46। पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकते, ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से साल तक की जेल हो सकती है। भारतीय दंड 166A। कोई भी होटल चाहे वो 5-स्टार ही क्यों ना हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। भारतीय अधिनियम 1887। तो आप भी कोई भी होटल का वॉशरूम यूज कर सकते हैं। कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी भी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। धारा 498। यदि दो वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है। और तो और, इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नहीं है और संतान को अपने पिता की संपत्ति में हक भी मिलेगा। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या ना। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकार से कोई शिकायत करता है तो पुलिस वाला उसे मना नहीं कर सकता। वह पीड़ित की मदद नहीं करता तो क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है, ऐसा करने पर उसे पुलिस एक्ट 1861 की कार्यवाही होगी। तो कोई भी पुलिस वाला ऑन ड्यूटी मना नहीं कर सकता, ऑन ड्यूटी पे हो या ना हो। कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती, ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। लाभ अधिनियम 1961। टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर ही यह फैसला कर सकता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रहना है। अधिनियम 1961, आयकर अधिनियम। तलाकनी मदारों पर लिया जा सकता है। हिंदी मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक की अर्जी दे सकता है। व्यभिचार, शादी के बाहर शारीरिक रिश्ता बनाना, शारीरिक व मानसिक नपुंसक बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज, बीमारी लेने और 7 साल तक कोई भी अता पता न होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13। तो आप भी क्लियर ही पढ़ लीजिएगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर दो व्यक्ति को बैठने का प्रावधान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानून है। इसके लिए आप चाहे तो उस कांस्टेबल अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पुलिस वाले ऐसे ही करते हैं, वो चाबी बाइक से निकाल लेते हैं। केवल महिला ही पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने ला सकती है। पुलिसकर्मियों को महिलाओं की गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, महिलाएं शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के पुलिसकर्मी स्टेशन जाने से मना कर सकती है। एक गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने ही एक पुरुष पुलिसकर्मी की महिला को गिरफ्तार कर सकता है। साहित्य 1973। दंड प्रक्रिया संहिता 1973। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40,00,000 रुपए तक की सहायता के हकदार हैं। तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्यजनक होगा कि यदि आपकी किसी कंपनी से किसी त्यौहार के मौके पर कोई भी गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है। FCRA 2010। यदि आपका किसी दिन चालान बिना हेलमेट के या किसी अन्य कारण से कर दिया जाता है तो फिर दोबारा उस अपराध के आपका चालान नहीं काटा जाएगा। विधेयक 2016। जैसा कि आपको पता भी होगा, काफी लोगों को इसकी नॉलेज भी होगी। कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपए नहीं मांग सकता, परंतु उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से भाव तौल कर सकता है। अधिनियम 2014। जैसे कि दुकानदार MRP से ऊपर कभी भी कोई भी चीज नहीं बेच सकता।
यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। परिसीमा अधिनियम 1963। यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है, परंतु अश्लील गतिविधियों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण पुलिस इस कानून का दुरुपयोग करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 और फायदा उठाती है, इससे आम लोगों को परेशानी होती है। यदि आप हिंदू और आपके पास आपका पुत्र है तो पोता या परपोता है तो आपको किसी दूसरे लड़के को गोद ले सकते हैं। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बीच 21 वर्ष का अंतर होना बहुत जरूरी है। हिंदू गोद लेना और रखरखाव अधिनियम 1956। तो 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए जबरन मकान खाली नहीं करा सकता। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 धारा 14। तो ऐसे ही कुछ जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे लोगों को इसकी जानकारी मिले और उनका कोई भी फायदा ना उठाए। उन्हें इस जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू फॉर हमारे चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।